उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ओडिशा में लगातार चुनावी सभाएं कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है। श्री साव गांव-गांव में सभाएं और बैठक कर जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के रेंगाली विधानसभा के साना टिकरा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। रैली में श्री साव ने कहा कि एक गरीब माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने 10 वर्षों में गांव, गरीब और किसानों के लिए काम किया है। श्री साव ने यह भी कहा कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संबलपुर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री और भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान और रेंगाली विधानसभा से नौरी नायक को जनता का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्र में मोदी जी की और ओडिशा में भाजपा की सरकार होने पर राज्य में तेजी से विकास होगा। से आया हूँ आपके भले के लिए, आपको जगाने के लिए। उड़ीसा के लोगों को उड़ीसा में ही काम मिलना चाहिए, ऐसी सरकार हमें उड़ीसा में बनानी है। और नवीन बाबू, उड़ीसा की केवल आपने दुर्दशा की, दोनों हाथ से उड़ीसा को लूटने का काम किया। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को 3100 रुपया क्विंटल में खरीदूंगा। हमने किसानों का पहले फसल का पूरा पैसा किसानों के खाते में 3100 रुपये क्विंटल की भाव से दे दिया। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। माताएं बहने 100 रुपए मांगती थी अपने पति से, बेटे से, कि बेटा खर्चा के लिए 100 रुपए दो। अब उल्टा हो गया है, आदमी लोग मांग रहे हैं कि तुम्हारे खाते में मोदी जी ने पैसा दिया है, 100 रुपए मुझे दो। ये परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है। और यहां तो मोदी जी ने आपके लिए 2 साल में 50,000 रुपए का कार्ड देने का गारंटी दिया है। 50,000 2 साल में उड़ीसा में परिवर्तन लेकर आओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। संबलपुर का विकास होगा, उड़ीसा का विकास होगा, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को दिल्ली भेजना है। और कोरोना काल में भी आपकी सेवा किया है, ऐसे नायक जी को दोबारा विधायक बनाना है, ये निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम।